चक्रवाती तूफान दाना फिलहाल उड़ीसा में तट को तो हिट कर चुका है, यानी कि लैंडफॉल हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से अभी तट से बाहर नहीं हुआ है, यानी कि पिछला हिस्सा अभी भी तट से टकराना बाकी है। और इसी वजह से देर रात 11 बजे से लेकर के अभी तक के हालातों की बात करें तो आपको ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज बारिश, और लगातार पिछले जैसे 7-8 घंटों की बात की जाए इसी तरीके के हालात आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। रात में करीबन 2 बजे के आसपास पहला हिस्सा जो उसका सबसे आगे का हिस्सा था चक्रवाती तूफान दाना का, वो उड़ीसा में तट से टकराया, और उसके बाद से लगातार ही अभी तूफान का करीबन 80% हिस्सा तट को टकरा के आगे बढ़ चुका है, अभी भी 20% बाकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उनके एक अनुमान के मुताबिक अभी करीबन जो है 1-2 घंटे का वक्त और लगेगा, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हालात थोड़े से बेहतर ज़रूर होंगे। अगर बात करते हैं इस वक्त की, यानी कि सुबह जो है जो 7 बजे के आसपास की, तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीरें हैं, देखिए रात में 2 बजे से जो तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई हैं वो सामने का नाम नहीं ले रही हैं। आमने सामने जो भी आ रहा है, जो भी पानी और हवा के सामने आ रहा है, वो उसको अपने साथ में खींचने को तैयार सी नज़र आ रही हैं। इसी वजह से अगर आप उड़ीसा में जो तटीय इलाकों के आसपास की जो सड़कें हैं वो आपको पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पावर कट, बिजली जा चुकी है और बिजली नहीं है, और समझा भी जा सकता है इतनी तेज़ जब हवाएं चल रही हैं तो बिजली काटना कभी कभी जो है एक सेफ ऑप्शन होता है कि जिससे कि किसी भी तरीके के जानों माल का नुकसान ना हो सके। हालांकि कई ऐसी खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं कि जहां पर बिजली के खंभे गिरे हैं, तार टूटे हैं, मोबाइल टावर्स को नुकसान पहुंचा है, जो कच्चे घर थे उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक जानों माल की किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। और ये एक फ़िलहाल अच्छी खबर के तौर पर मैं कहूँगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कहीं कोई नुकसान होता है तो उसको तो संभाला जा सकता है, लेकिन जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए थे, लोगों को अलर्ट जारी किया था कि किसी भी सूरत में वो तटीय इलाकों में ना रहें। और उसी बात का जो है संज्ञान लेते हुए जो तमाम तटीय इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था। और अगर मैं मौसम की बात करूँ तो सुबह 5 बजे के बाद में अब जो 3-4 जो घंटे में जो वो लैंडफॉल को हिट किया है उसके बाद से जो एक फ़र्क आया वो ये आया है कि अब सुबह 5 बजे के बाद से ये हो रहा है कि कभी हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहती है तो कभी 100-110 की स्पीड से, तो एक निरंतरता तो नहीं है, उसमें भी जो है कम ज़्यादा हो ज़रूर रहा है, लेकिन लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं जिसमें किसी के लिए भी बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, और प्रशासन लगातार यही लोगों को समझाता रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूँ कि बादलों की किस तरीके से आपको बादल उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये वो बादल हैं जो चक्रवाती तूफान के साथ में आए हैं। और हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये वो जगह है जहाँ पर ये चक्रवाती तूफान हिट किया है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं चक्रवाती तूफान के इस वक्त बीच में खड़ा हुआ हूँ तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि चक्रवाती तूफान ऐसा नहीं है कि एक जगह पर है और एक लाइन में सीधा चल रहा है, वो उसका असर आसपास के कई किलोमीटर पर होता है, और वो जो हवाएं हैं, वो जो पानी है, वो जो चक्रवाती तूफान के साथ आया है इस वक्त ये वही हवाएं हैं, ये वही जो है जो बारिश का पानी है जो चक्रवाती तूफान के साथ में आया है। और एबीपी न्यूज आपको उसी चक्रवाती तूफान के बीच में खड़ा होकर के हम लोगों की कोशिश ये है कि उस चक्रवाती तूफान के में किस तरीके के हालात हैं, क्यों इतनी जो प्रिकॉशन लिया गया था, क्यों लगातार अलर्ट जारी किया गया था, क्यों ट्रेनों को बंद किया गया, क्यों फ्लाइट ऑपरेशन रोके गए थे, वो समझ में आ सके। और वही कोशिश कर रहे हैं मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार कि आप तक वो तस्वीरें पहुँचा सके, वो जानकारी पहुँचा सके, और ये बता सके कि आखिर ये चक्रवाती तूफान को लेकर के इस तरीके का अलर्ट क्यों जारी किया गया था। तो अभी भी एबीपी न्यूज़ उसी चक्रवाती तूफान के बीच में हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान का 80% हिस्सा भले ही आगे निकल गया हो लेकिन 20% हिस्सा अभी भी तट से टकराना बाकी है, और ये वक्त है सुबह 7 बजे का। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज धामरापुर। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।